रूही प्लीज मत रो, मैं सॉरी करती हूँ। वो रात को गलत फहमी हो गई थी और कुछ नहीं। कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, जब कुछ किया ही नहीं तो कैसी गलत फहमी। वो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहते। आखिर कोई कैसे किसी गरीब को अपने महल जैसे घर में बर्दाश्त करेगा। मुझे नहीं रहना यहाँ, आप मुझे मेरी खाला के घर छोड़ा है। रूही ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर तुम्हें खाला के घर ही छोड़ना होता तो बुआ तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आती। बुआ मुझ पर बहुत भरोसा करती है रूही, तुम्हें वहां छोड़कर नहीं आ सकती। जब तक बुआ नहीं आ जाती तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन साहब जी उन्होंने मुझे निकाल दिया तो? मुराद ऐसा क्यों करेंगे, उन पर काम का प्रेशर है ना, बस इसीलिए थोड़ा सा डांट दिया। वरना आज से पहले क्या तुम्हें डांटता है? नहीं ना, चलो बस चुप कर जाओ। रूही मुराद के लिए नाश्ता बना दो, हो सकता है उनका मूड अच्छा हो जाए। थैंक यू।